everyone, welcome to Careers Point YouTube channel. Today we are going to deal with the tips and tricks of plant morphology. ठीक है, अब आप सबने प्लांट किंगडम पढ़ लिया होगा, अभी तक सारी टिप एंड ट्रिक्स याद हो गई होंगी, सारे के सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे. एंड ऑन योर स्पेशल रिक्वेस्ट अगेन आई एम बैक विद द ट्रिक्स ऑफ द प्लांट मॉर्फोलॉजी. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी की सारी टिप एंड ट्रिक्स को याद करेंगे, उसके सारे निमोनिक्स याद करेंगे, ताकि हमें सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के भी कंप्लीट ऑन द टिप्स हो जाएं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन. तो फर्स्ट हम किसको डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस और पोजिशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस. ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, हाइपोगाइनस. ठीक है, हाइपोगाइनस का क्या होता है, हाइपोगाइनस की ट्रिक कैसे जाएगी हम ये देखते हैं. ठीक है, सो वॉट इज द ट्रिक फॉर हाइपोगाइनस, लेट्स लुक. ठीक है, अब सबको चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है ना. ठीक है, सो इसकी ट्रिक सिंपल सी है, ही मस्ट ब्रिंग चाइनीज़. तो जैसे ही हम सबको चाइनीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमने सारे फ्रेंड्स से क्या बोलते हैं कि जब भी हमारे घर आओ ना चाइनीज़ लेते हुए आना. ठीक है, सो सिंपल सी ट्रिक है, ही मस्ट ब्रिंग चाइनीज़. ठीक है, तो क्या होगा, ही मस्ट ब्रिंग चाइनीज़. ठीक है, तो एच से क्या हो गया, हाइपोगाइनस. एम से क्या हो गया, मस्टर्ड. बी से क्या हो गया, ब्रिंजल. और सी से क्या हो गया, चाइना रोज. ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, याद हो जाएगी ना. चलिए आगे चलते हैं पेरिगाइनस पे. पेरिगाइनस में क्या है सेंटेंस हमारा, पेरेंट्स प्लांट पीच फॉर रोजी. पेरेंट्स प्लांट पीच फॉर रोजी. ठीक है, तो पी से क्या हो गया, पेरिगाइनस. ठीक है, नेक्स्ट पी से क्या हो गया, प्लम. उसके बाद पी से, पीच से क्या हो गया, पीच. एंड आर से क्या हो गया, रोज. ठीक है, सो पेरेंट्स प्लांट पीच फॉर रोजी. सिंपल पेरिगाइनस की ट्रिक हमें याद हो जाएगी अब. ठीक है, स्टिल अगर आपको याद नहीं होती है तो इसकी सिंपल एक और ट्रिक है, हम क्या कर देंगे इसको, ट्रिपल पी आर से भी याद रख सकते हैं, अगर किसी को सेंटेंस को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो. ठीक है, सिंपल कैसे याद रखेंगे, ट्रिपल पी आर फॉर पेरिगाइनस. ठीक है, आगे चले. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एपिगाइनस. ठीक है, एपिगाइनस में हम कैसे ट्रिक याद रखेंगे, एपिगाइनस की ट्रिक है ईसीजी ऑफ सन. ठीक है, ईसीजी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ इट. और हम ईसीजी किसका करा रहे हैं, सन का. ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक क्या है, ईसीजी ऑफ सन. ठीक है, तो ई से क्या हुआ, एपिगाइनस. सी से क्या हुआ हमारे पास, क्यूकुम्बर. जी से क्या हुआ, ग्वावा. और सन से क्या हुआ, सन फ्लावर. ठीक है, सो क्या हुआ, ईसीजी ऑफ सन. समझ आया सबको. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस. ठीक है, इन सबके एनसीईआरटी बेस सारे के सारे एग्जाम्पल हमें कैसे हो गए, याद हो जाने चाहिए इस ट्रिक से. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं किस पे, एस्टिवेशन पे. अब एस्टिवेशन में क्या क्या होता है, एस्टिवेशन में भी क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स और द सेपल्स और पेटल्स. ठीक है, सो इट इज अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल पार्ट. ठीक है, सिंपल सी चीज है, बट इसमें क्या है, अगेन जो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन होती है ना, हमें उसके एग्जाम्पल्स में फिर से प्रॉब्लम फेस होती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे. वेल्वेट, सबसे पहली जो एस्टिवेशन होती है उसको हम बोलते हैं वेल्वेट. और वेल्वेट को हम कैसे याद रखेंगे, वेरी पॉपुलर नेम, आप सबको ही नाम पता होगा, हम क्या बोलते हैं, सी वी रमन. ठीक है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम, हम क्या करेंगे इसको याद रखेंगे कैसे, सी वी रमन से. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनिशियल्स लेने हैं बेसिकली सी वी रमन के. तो सी वी से, सी से क्या हुआ, कैलोट्रोपिस. वी से क्या हुआ, वेल्वेट. ठीक है, सी से क्या हुआ, कैलोट्रोपिस. और वी से क्या हुआ, वेल्वेट. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पे, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन. ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन को हम कैसे याद रखेंगे, उसका निमोनिक क्या है, चाइनीज लेडी हैज़ ट्विन चिल्ड्रेन. चाइनीज लेडी हैज़ ट्विन, ट्विन मतलब उसके जुड़वा बच्चे हैं. ठीक है, तो चाइनीज लेडी हैज़ ट्विन चिल्ड्रेन. ठीक है, सी से क्या हुआ, चाइना रोज अगेन. लेडी, सिंपल लेडी फिंगर. ठीक है, और हैज़ टू चिल्ड्रेन, तो ट्विन से क्या हुआ, ट्विस्टेड. ठीक है, और सी से क्या हुआ, चिल्ड्रेन से क्या हुआ, कॉटन. या सी से क्या हुआ, कॉटन. इनिशियल से आप इसके एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं.
ठीक है, सबको याद हुआ कैसा? सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, वेलवेट का क्या था? सीवी रमन. सी से क्या था? कैलोट्रोपिस. वी से क्या हुआ? वेलवेट. उसके बाद हमारे पास ट्रिक आई, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रेन. तो चाइनीज से क्या हुआ हमारे पास? चाइना रोज. लेडी से क्या हुआ? एल से क्या हुआ? लेडी फिंगर. ठीक है, ट्विन से क्या हुआ? ट्विस्टेड. और सी से क्या हुआ अगेन अपने पास? कॉटन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेशन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एस्टिमेशन है जिसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट. ठीक है, तो इम्ब्रिकेट में क्या है? इम्पोर्टेड कार एंड गोल्ड. क्या है माई ट्रिक? इम्पोर्टेड कार एंड गोल्ड. हम हमेशा कैसे याद रखेंगे? हम हमेशा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसका करते हैं? जो थोड़े से क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से एक्सपेंसिव मटेरियल्स की बात कर रहे हैं? दैट इज़ द कार एंड गोल्ड. ठीक है, हम यहाँ पे क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं? कार एंड गोल्ड. ठीक है, तो आई से क्या हुआ? इम्ब्रिकेट. सी से क्या हुआ? केशिया. जी से क्या हुआ? गुलमोहर. ठीक है, अगर इन केस आपके लिए इसके इसका एक और हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, अगर ये आपको जो निमोनिक है वो याद नहीं होता, तो ATGC तो सबको पता होंगे, जो DNA के बेसिस होते हैं. ठीक है, जिसमें A किसके साथ हमेशा पेयर करता है? T के साथ. और G किसके साथ पेयर करता है हमेशा? C के साथ. ठीक है, ये सबको पता है ना, तो इसकी एक और ट्रिक ये बन सकती है, G ऑलवेज पेयर विथ C. ठीक है, G ऑलवेज पेयर विथ सी, तो मतलब गुलमोहर किसके साथ आएगा हमेशा? केशिया के साथ. ठीक है, तो सी से केशिया और जी से गुलमोहर. ठीक है, सिंपल है. अगर किसी को ये वाला निमोनिक याद नहीं होता तो वो ऐसे इससे भी याद रख सकता है, आपकी मर्जी, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको जल्दी मेमोराइज हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट हम एक और किस पे मूव करते हैं? वेक्सिलरी पे. वेक्सिलरी में कैसे होगा? वेक्सिलरी जैसे ही मैं आपको बोलूंगी, आपको क्या बोल रहा है? वेरी फैबुलस. वेक्सिलरी इज वेरी फैबुलस, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही शानदार, वेरी फैबुलस. तो वी से क्या हो गया? वेक्सिलरी. और फैबुलस से फैब. फैब से क्या हो गया? फैबेसी फैमिली. फैबेसी में क्या क्या आते हैं हमारे? बी और बीन्स. ठीक है, क्या क्या आता है? बी और बीन्स और पी. ठीक है, तो हमारे पास जितने भी फैबेसी फैमिली में क्या क्या होते हैं? लेग्यूम्स होते हैं. तो लेग्यूम्स के एग्जाम्पल क्या है? बीज, पीज और बीन. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? पी एंड बीन. समझ आया सबको? नेक्स्ट पे आते हैं हम प्लेसेंटेशन पे. प्लेसेंटेशन क्या होता है? इट इज़ दी अरेंजमेंट ऑफ दी ओव्यूल्स इन दी ओवेरी. इट इज़ दी बेसिकली इट इज़ दी लोकेशन ऑफ दी ओव्यूल्स इन दी ओवेरी. ठीक है, तो क्या है? इट इज़ दी अरेंजमेंट ऑफ दी ओव्यूल्स इन दी ओवेरी. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारे पास प्लेसेंटेशन है ना, उसको मैंने कुछ सेंटेंसेस में उसके लिए निमोनिक्स बनाए हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उन सेंटेंसेस को याद रखेंगे, जिससे हमें प्लेसेंटेशन का सारे एग्जाम्पल्स विद द प्लेसेंटेशन का नाम, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हमें याद हो जाएगी. ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? सिंपल, हमें जो दो तीन सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे. ठीक है, क्या सेंटेंस है? मैनी प्रेसिडेंट्स आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो. ठीक है, प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग डियर पीपल फर्स्ट एंड बाद में स्पीच होगी. ठीक है, क्या हुआ? प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं? चाइना में आ रहे हैं कल. ठीक है, और चाइना में आने के बाद क्या होगा? अब प्रेसिडेंट है तो पब्लिक से भी बात करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? पहले वो किससे, अब थर्ड सेंटेंस क्या है? प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग डियर पीपल फर्स्ट. पहले वो किससे? पहले वो पब्लिक से मिलेंगे, उसके बाद उनकी स्पीच होगी. ठीक है, सिंपल है, सबको याद हो जाएगा. अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो बताती हूँ. ठीक है, एम से क्या हुआ? मार्जिनल, विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पी. एग्जाम्पल क्या है इसका? पी. ठीक है, मटर. सेकंड क्या है? आर. आर से क्या हुआ? ए से एग्जाइल, विच इज़ द सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. एल से लेमन. सी से चाइना रोज. और टी से टमेटो. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज दी पेराइटल. क्या है? पेराइटल. ठीक है, और पेराइटल का एग्जाम्पल क्या है? आर्जिमोन और मस्टर्ड. क्या है इसका एग्जाम्पल? आर्जिमोन और मस्टर्ड. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, दैट इज दी फ्री सेंट्रल. क्या है? फ्री सेंट्रल. तो फ्री सेंट्रल को कैसे याद रखेंगे? देखो, डी से क्या हुआ इसका एग्जाम्पल? डायंथस. पी से क्या हुआ? प्राइमरोज. और एफ से क्या हो गया हमारा? टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन.
तो क्या हो गया हमारा, डियर पीपल फर्स्ट से डी से डायंथस, पी से प्राइमरोज और एफ से फ्री सेंट्रल विच इज द टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन. ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट किस पे मूव करते हैं, बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पे. ठीक है, तो बाद से बी बेसल हो गया. नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर. ठीक है, तो क्या हुआ, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर. समझ आया सबको, हमने क्या करा, दो तीन सेंटेंसेस याद करें, उससे हमें सारे टाइप की प्रेजेंटेशन विद एग्जांपल्स कैसे हो गई, याद हो गई हैं. ठीक है, स्टिल अगर टेंशन मत लो, अगर किसी को ये सेंटेंसेस नहीं याद होते तो मेरे पास इसके लिए एक और ट्रिक है कि आपको कोई और भी आप इसे ऑल्टरनेट वे में स्विच कर सकते हो. ठीक है, या तो ये याद रख लो या इसके बाद वाली याद रख लो, जो आपको ईजी लगे. चलिए आगे मूव करते हैं एक और ट्रिक के साथ. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, हम क्या करेंगे, मार्जिनल को अलग कर देंगे, क्योंकि मार्जिनल की इसमें कोई ट्रिक नहीं है. तो मार्जिनल सबको पता है, मार्जिनल किस में होता है, पी में. सबको, सबने मटर तो खाया ही होगा, मटर का दाना कैसा होता है सबको पता है ना, ऐसा दिखता है. और ये देखिए ऐसे अरेंजमेंट होता है. तो ये कैसे अरेंज है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, मार्जिन के पास में, मार्जिन पे. तो इसलिए मार्जिनल किस में होती है, हमेशा पी में होती है. ठीक है, अब बाकी की ट्रिक्स पे आते हैं. अब हम एग्जाइल से हम क्या याद रखेंगे, एग्जाइल से हम याद रखेंगे टी एल सी. क्या याद रखेंगे हम, टी एल सी. टी एल सी क्या होता है, हमने पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आप रेस्पिरेशन का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें टी एल सी आप पढ़ते हैं ना, टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते. या फिर एक और चीज़ हम पढ़ते हैं किसमें, जिसको हम बोलते हैं टी एल सी को, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पढ़ते हैं ना. तो दो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, या तो आप ये याद रख लीजिए टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, या फिर आप याद रख लीजिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टी एल सी से. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, टी से टमेटो, एल से लेमन, सी से चाइना रोज. ठीक है, याद हो जाएगा. नेक्स्ट हम मूव किस पे करते हैं, पेराइटल पे. ठीक है, अब पेराइटल में क्या है, पेराइटल को कैसे याद रखेंगे, मैप से. कैसे याद रखेंगे, मैप. एम से क्या हुआ, मस्टर्ड. ए से क्या हुआ, आर्जिमोन. पी से टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, दैट इज द पेराइटल. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट थर्ड पे हम मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल. फ्री सेंट्रल को हम कैसे याद रखेंगे, फ्री डीपी से. कैसे याद रखेंगे, फ्री डीपी से. आप जब भी कोई भी सोशल मीडिया कोई ऐप यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, एनी ऑफ द ऐप, तो उसमें क्या आपको डीपी लगाने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं क्या, नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होती है ना, होती है कि नहीं होती है. तो सिंपल हम क्या करेंगे, फ्री सेंट्रल के लिए हमारे पास ट्रिक क्या हो गई, फ्री डीपी. ठीक है, क्या हो गई, फ्री डीपी. तो फ्री से तो क्या हो गया, फ्री सेंट्रल. डी से क्या हो गया, डायंथस. और पी से क्या हो गया, प्राइमरोज. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बेसल के लिए. बेसल को कैसे याद रखेंगे, सिंपल बी एम एस. कैसे याद रखेंगे, बी एम एस. बी इज फॉर बेसल, एम इज फॉर मैरीगोल्ड एंड एस इज फॉर सन फ्लावर. ठीक है, आप सबको याद हो गया. तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन का क्या करा, मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई. जिसको पहली वाली याद हो जाए वो पहली वाली को याद कर ले, जिसको सेकंड वाली याद हो जाए वो सेकंड वाली को याद कर ले. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.